वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इन हथियारों को देखकर दुश्मन उल्टे पैर भाग जाएगा, इंडियन डेडली सेवन वेपन्स। तो ये कौन से हथियार होने लगे हैं जिसको देखकर मतलब दुश्मन भी भाग जाए? तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। टेक्नो फ्री की वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देना, एक छोटा सा हथियार वेपन होता है, चाहता है कि उसके पास एक से बढ़कर एक और जबरदस्त हथियार हो जिससे उसके दुश्मन उस पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। हाँ। यही वजह है कि आज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश एक से बढ़कर एक हथियारों के टेस्ट में लगे हुए हैं, ताकि उसके सैन्य बेड़े में ऐसे घातक और जबरदस्त हथियार आ जाए जिससे दुश्मन को डराया जा सके। अमेरिका हो, चीन हो, या फिर भारत, या फिर कोई छोटा देसी क्यों ना हो, आज सभी के बेड़े में कोई न कोई ऐसा हथियार होता ही है जो उस देश के लिए गर्व की बात होती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में दुनिया के 7 ऐसे जबरदस्त और घातक हथियारों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में सुनकर आप गर्व करेंगे, क्योंकि इनमें 2 हथियार भारत के भी हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक, आज बात होगी दुनिया के 7 सबसे घातक हथियारों की, जिनके नाम से कांपने लगता है दोस्तों। मतलब काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। 7 में से 2 इंडिया के, 7 में से पूरी दुनिया में 39 स्मार्ट बॉम्ब। यह बम बेहद ही घातक है, क्योंकि इस हथियार से कोई भी नहीं बच सकता। यह हथियार दुनिया के किसी भी बंकर के अंदर घुसकर उसे उड़ा सकता है। यह हथियार कितना घातक है आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि यह हथियार 20 मंजिले इमारत के ग्राउंड फ्लोर को भी उड़ाने की शक्ति रखता है। यानी साफ साफ शब्दों में समझे तो दुश्मन चाहे जिस बिल में उस बिल को खत्म करने की क्षमता रखता है। छठा, यूरेन-9 UPD। अगर आपने टर्मिनेटर फिल्म देखी है तो आपने इस मशीन गन को जरूर देखा होगा। असल में यूरेन-9 एक रोबोटिक टैंक है जिसपे यह मशीन गन लगी हुई है। यूरेन-9 10 टन वजनी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला एक टैंक है जो 4 एंटी टैंक मिसाइल और एक 30 mm की मशीन गन साथ लेके चलता है। इसके अलावा इसमें 12 फ्लेम थ्रोवर रॉकेट है जो युद्ध के दौरान दुश्मन के चीथड़े उड़ाने के लिए काफी है। यह टैंक कितना घातक है आप इस बात से अंदाजा लगा लो। सिर्फ यूरेन-9 टैंक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में दुश्मन के हमले का जवाब दे सकता है। साथ ही सिर्फ 10 यूरेन-9 पूरी आर्मी पर भारी पड़ सकता है। 5वां, राइन मेटल। जर्मनी का राइन मेटल मिशन मास्टर अपने सैनिकों का सामान, हथियार, गोला बारूद आदि अपने साथ लेकर चलता है। यह 600 किलो का वजन उठा के भी हथियार कहीं पर भी कूद सकता है और कहीं पर भी चढ़ सकता है। यही वजह है कि यह हथियार सबसे घातक हथियारों में शुमार है। इसमें मशीन गन 70 mm का रॉकेट लगा होने के कारण और घातक हो जाती है यह हथियार। यह हथियार अपने रॉकेट को बहुत तेजी से लॉन्च करता है, जिस वजह से दुश्मन इसके द्वारा लॉन्च की गई रॉकेट को जब तक सामान लेके जा सकते और साथ देर हो चुकी है। 4था, क्लस्टर बम। हवा में छोड़े गए बमों में से जो सबसे खतरनाक बम का नाम आता है वह है क्लस्टर बम। हर एक क्लस्टर बम में बहुत सारे छोटे छोटे बम लगे होते हैं। CBU-58 नाम के रेडों की तरह फटते हैं। 600 से भी ज्यादा छोटे छोटे बम होते हैं जो दुश्मन पर बमों की बरसात कर देते हैं। 1980 के दशक में एक टेस्ट के दौरान जब CBU-58 को हवा में छोड़ा गया तब हवा में ही उसने 600 बम गिरा दिए, और ये बम जब जमीन तक पहुंचे तब 300 मीटर के बड़े इलाके को इसने पूरी तरह तबाह करके रख दिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक माइन फील्ड बनाने में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। एक 450 किलो के बम में 132 एंटी टैंक माइंस और 132 साधारण माइंस बिछाया जा सकता है जो 40 दिनों तक पड़ी रहती है, और यह बम तभी फटती है जब कोई उस पर से नहीं गुजरता। 3रा, रशियन बासन पी समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम जैसे ही टारगेट को ढूंढता है मिसाइल को लॉन्च कर देता है। एक रशियन बासन पी 600 किलोमीटर के लंबे समुद्री तट की अकेले सुरक्षा करता है। यह हथियार कितना घातक है आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि पूरे USA की रक्षा के लिए सिर्फ 30 बासन पी काफी है। बासन पी के पास 8 मीटर लंबी 3 टन P-800 क्रूज मिसाइल है जो 350 किलोमीटर की मार्ग क्षमता वाला मिसाइल है। मिसाइल पर लगा सिर्फ वाला एक बम बड़े से बड़ा शिप को डुबोने के लिए काफी है। यह 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करता है जिससे इसको डिटेक्ट करना या मार गिराना असंभव सा है। 2रा, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। दोस्तों जब जिक्र दुनिया के सबसे घातक हथियारों की हो रही हो तब भारत की ब्रह्मोस पीछे कैसे रह सकती है? यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है।
सकता है और इनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। साथ ही यह सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। सबसे तेज क्रियाशील एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी यही है। यह मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात इसे लॉन्च करने के बाद मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह खुद अपना रास्ता तय करती है और दुश्मन को मार गिराती है। इसकी वास्तविक रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन लड़ाकू विमान से दागे जाने के बाद इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक हो जाती है। भविष्य में इसे 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। इसका नाम भारत के रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस की मशीनो स्ट्रो यनिता ने की है। यही वजह है कि आज भारत का गर्व करता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का एकमात्र ऐसा क्रूज मिसाइल है जो दुनिया में सबसे घातक है। पहला बीएमडी शील्ड भारत। बीएमडी चीन और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देखते हुए इस मिसाइल शील्ड का निर्माण किया गया है। ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई वाली मिसाइलों को मार गिराने के लिए दो कंट्रीज इसकी डिमांड भी की बीएमडी। यह दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से मिसाइलों को मार गिरा सकती है। पृथ्वी एयर डिफेंस के टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस तथा इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। यह मिसाइल शील्ड भारत परमाणु हमलों, ड्रोन हमलों से बचाने के लिए किया गया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का विकास 1999 में शुरू हुआ। इस सिस्टम के विकास में लगभग 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव, LSL, लार्सन एंड डुब्रो, वेम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और केल टेक शामिल है। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार और मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार का विकास इलेक्ट्रॉनिक और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। यही वजह थी कि जब भारत ने इस डिफेंस शील्ड का परीक्षण किया तब दुनिया के कई देश हैरान हो गए, क्योंकि इस शील्ड को सिर्फ और सिर्फ भारत ने ही बनाया है, जो हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, आपको इन हथियारों में से किस हथियार के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ? अगर आप भारतीय हैं तो वीडियो खत्म। तो यार बाकी में सारे हथियार एक से एक थे, सीरियसली बोला जाए तो इससे पहले सबसे पहले वो आया कंट्रोल करने वाला टैंक जो था ऑटोमेटिक, वो भी काफी अच्छा था। अच्छा वो जो क्लस्टर बम जाए वो तो पूरी तबाही कर रहे थे। हाँ फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो जो जर्मनी का एक टैंक था जो नौकर बना वो बंद हो और आगे जैसे ही दुश्मन है फिर आगे आ जाता होगा और फिर मिसाइल अपनी लेकर उसके बाद अंदर मिसाइल लगे हुए थे उसके अंदर अपनी। और यार फिर ब्रह्मोस जो कि इंडिया का प्राइड माना जाता है उसमें कोई शक नहीं, और बहुत ही ज्यादा यार पावरफुल है ब्रह्मोस, इसमें कोई शक पूरी दुनिया और कहते हैं इंडिया का ब्रह्मास्त्र है उस लिहाज से देखा जाए, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा घातक किस्म का मिसाइल है वो, उसको क्या कहते हैं क्रूज मिसाइल सबसे फास्टेस्ट है और फास्टेस्ट ट्रेन है बिल्कुल। और बीएमडी की तो इसकी अपनी एक बात है यार, देखा जाए तो बीएमडी एक बहुत माल का सिस्टम है जो मतलब 5000 उसकी खाली रेंज है। इतनी रेंज आ रहा तो कोई किसी ने बनाया ही नहीं होगा। सही, वहाँ जोड़ने वाला उनको पता लग जाए से अपना मिसाइल जोड़ ये बिल्कुल ब्लास्टिक मिसाइल को मतलब के उसको भी तबाह करने की क्षमता इसमें तो उससे तो खुद अंदाजा लगा ले जात कि कितना पावरफुल है। तो पिछले दिनों न्यूज आ रही थी कि एक दो कंट्री ने डिमांड भी किए हमें, लेकिन इंडिया मुश्किल है फिर वो थोड़ा निकल जाता है, लूज हो जाती है। दुनिया के चार देशों के पास अब ये सिस्टम है तो कौन देता है? बिल्कुल वही ना। हाँ अलबत्ता और कोई वो दे सकता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये नहीं देते, ये नहीं देता भाई। और रशिया का था एक जो पूरे 30 बोट है इंडिया को, रशिया को बचाने के लिए जो भी है जो भी है मतलब 30 सिर्फ मतलब दोनों यार रशिया और अमेरिका दोनों का साइज बहुत बड़ा है तो तू उससे बहुत अंदाज लगा ले। तो यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इसमें बहुत बड़ी बात है कि साथ में डेडली वेपन में से दो इंडिया के जो कि बहुत बड़ी आ रही है इतने मेरे ख्याल से एक आया है सबका, लेकिन दो किसी के नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो उनके हैं बिल्कुल। सो गाइस आप बताएं आपको कौन से ज्यादा वेपन सबसे ज्यादा एडवांस लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।